हेलो गाइस, वेलकम टू माय अदर वीडियो। मैं प्रेम सागर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं गूगल एडसेंस पिन को कैसे अप्लाई कर सकते हैं और दोस्तों गूगल एडसेंस पिन को अपने घर के एड्रेस पर कैसे ला सकते हैं। दोस्तों, अब कौन से डॉक्यूमेंट्स आप गूगल एडसेंस पिन की वेरिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, तो दोस्तों आज की वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो आप लोग जिससे पता है कि दोस्तों आप लोग गूगल एडसेंस पिन वेरिफिकेशन के लिए तभी आता है जब आपके एडसेंस अकाउंट तो आपको एक एक्शन बटन का निशान आता है। एक्शन बटन का निशान आते ही उसमें दोस्तों आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए कहता है। तो अब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट आप करते हैं तो आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होने के बाद ही आपको गूगल एडसेंस पिन आपके घर के एड्रेस पर आता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं गूगल एडसेंस पिन के लिए वेरिफिकेशन के लिए कैसे दोस्तों अप्लाई करें, गूगल एडसेंस पिन कैसे अपने घर के एड्रेस पर लाए, वही दोस्तों एक मोबाइल से बताने वाला हूं आप सभी को। क्योंकि दोस्तों अधिकतर ऐसे यूट्यूबर क्रिएटर हैं, यूट्यूब क्रिएटर हैं कि जो मोबाइल यूज करते हैं और मोबाइल से ही सारा काम करते हैं। तो दोस्तों आप लिखो एक यूट्यूबर हो, यूट्यूब क्रिएटर हो, एक यूट्यूब पर वीडियो बनाते हो तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखोगे। वीडियो अंत तक देखने के बाद आपको लगता है कि मेरे वीडियो से एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिल पाई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि पता है कि आपके बेनिफिट के लिए हमेशा वीडियो बना के लिए आते रहता हूँ। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर आते ही मैंने क्रोम ओपन किया। क्रोम ओपन करते ही और दोस्तों जैसे कि मैंने एडसेंस ओपन किया, एडसेंस ओपन करते डेस्क मोड पर इसे किएंगे। डेस्क मोड करने पर देख सकते हैं मैंने एडसेंस को ओपन किया। डेस्क मोड पर जब ओपन करने के बाद आपको देख सकते हैं हाँ मेरा एक्शन बटन का निशान दे रहा है। अब एक्शन बटन पर मैंने देख सकते हैं दोस्तों एक्शन बटन के बारे में क्लिक किया। दोस्तों एक्शन बटन के बारे में सभी लोग जानकारी है, आप लोग को भी जानकारी है। तो दोस्तों मैंने एक्शन बटन पर डायरेक्ट क्लिक किया। अब एक्शन बटन पर क्लिक करते हुए देख सकते हैं मेरा वेरीफाई नाउ पर आया। तो वेरीफाई नाउ पर तो आपको क्लिक करना होगा। तो वेरीफाई नाउ पर जैसे मैंने क्लिक किया देख सकते हैं वेरीफाई योर आइडेंटिटी ये ओपन होके आ गया। तो दोस्तों आप लोग बस यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट है जहाँ वेरीफाई योर आइडेंटिटी करके ओपन हो जाता है। तो आप लोग को दोस्तों यही से समझना जरूरी है। तो आप लोग को क्या क्या यहाँ से फिलअप करना होगा तो देख सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको एड्रेस सबसे पहले आपको चेक करना होगा। तो अपना एड्रेस दोस्तों जो डॉक्यूमेंट्स को आप यूज करेंगे यानी कि दोस्तों चाहे पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, चाहे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, जो डॉक्यूमेंट्स आप यूज कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट्स में जो आपका एड्रेस दिया गया है उसी एड्रेस को फिर पूरी तरह बढ़िया से फिलअप करेंगे। और इसमें पूरी तरह जैसे कि दोस्तों आप लोग के सामने मैं लाइव यहाँ पर पूरी तरह फिलअप कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे जो आपको जो आइडेंटिटी में होगा यानी कि आपके आईडी प्रूफ में होगा जो नाम, यानी कि जैसे कि मेरा नाम जो है दोस्तों मैं उसको फ्लिप करूंगा। फिर उसके बाद दोस्तों आपको अपना एड्रेस यानी कि आपको सेम एड्रेस यानी कि जैसा एड्रेस आपको डॉक्यूमेंट्स में आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स में आपको लिखा है उसी सेम एड्रेस को आपको उसमें फिलअप करना होगा। ऐसा नहीं करते हैं तो दोस्तों आपका क्या होगा गूगल एडसेंस के लिए जो वेरिफिकेशन आईडी कर रहे हैं वो दोस्तों सक्सेसफुल नहीं होगा। तो आपको सक्सेसफुल करने के लिए सेम उसी डॉक्यूमेंट्स को करना होगा। जैसे मैंने अच्छी तरह फिलअप करने के बाद मैं दोस्तों जैसे कि आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पर जा रहा हूँ, जैसे ही मैंने आप उस डॉक्यूमेंट्स अपलोड पर क्लिक किया और फिर देख सकते हैं मैंने अपने फाइल पर गया। फाइल पर जाने के बाद अब मैं उस डॉक्यूमेंट्स को मैं सर्च करूंगा जिस डॉक्यूमेंट्स को मुझे अपलोड करना है, जिस डॉक्यूमेंट्स की मैं का एड्रेस मैं पूरी तरह फिलअप किया हूं। तो जैसे कि मैंने दोस्तों मैं अपना पैन कार्ड वाला फिलअप किया हूं, तो दोस्तों मैंने पैन कार्ड यूज कर रहा हूं। तो यहां पे मैंने इसे पैन कार्ड को दोस्तों इसका अपलोड कर दिया। देख सकते हैं जैसे कि दोस्तों मैंने पैन कार्ड को अपलोड कर दिया। और दोस्तों आप लोग ध्यान देना होगा जो आप पैन की आईडी प्रूफ आप लोग अपलोड कर रहे हैं उस आईडी प्रूफ का कि उससे क्लियर फोटो होना चाहिए, ना कि दोस्तों उसका फ्लैश लाइट जल जाए, ऐसा कुछ नहीं। आपका क्लियर साफ नज़र आना चाहिए। फ्लैश लाइट आपको ऑफ करके ही उसको स्कैन करें और उसका फोटो को अपलोड करें। तो ऐसा करने के बाद आप दोस्तों अच्छी तरह आ जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों आप सबमिट पर क्लिक करेंगे यानी सबमिट पर क्लिक करना होगा। तो आपको सबसे पहले आप लोग अच्छी तरह जांच कर लीजिएगा। आप लोग जैसे कि दोस्तों मैं अच्छी तरह इसमें सब कुछ जांच कर लिया हूँ, एड्रेस वगैरह सब कुछ सेम है। तो दोस्तों मेरा जो सेम है उसी को पूरा जांच करने के बाद अब मैं उस पर अपने सबमिट पर क्लिक करूँगा। तो जैसे कि देख सकते हैं थोड़ा बहुत दोस्तों थोड़ा सबमिट पर मैंने क्लिक किया और सबमिट पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं क्या आपको यहाँ नज़र आया। देख सकते हैं यहाँ पर दे रहा है दिस प्रोसेस मे टेक योर फ्यू डेज यानी कि दोस्तों कुछ दिन बाद आपको इन्फॉर्मेशन मेल के थ्रू दे देगा कि आपका सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ। तो इसके लिए आपको गो इट करना होगा। तो आपको दोस्तों गो इट यानी छोड़ देना होगा, तब उससे गो इट कर दीजिए। गो इट कर देने के बाद ही आपको दोस्तों देख सकते हैं गो इट जैसे मैंने कर दिया। अब देख सकते हैं दोस्तों मुझे अब गो इट कर देने के बाद मैं यहाँ देख सकते हैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ना वहाँ से हट गया है, अब ये प्रोसेसिंग में चल गया है। अब देखते हैं दोस्तों कब थर में इसका मेल आता है।
तो दोस्तों मुझे 40 घंटे बाद देख सकते हैं, मुझे गूगल एडसेंस एंटिटी वेरिफिकेशन की तरफ से एक सक्सेसफुल मेल आया गूगल पेमेंट्स की तरफ से। देख सकते हैं गूगल पेमेंट्स की तरफ सक्सेसफुल मेरे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो गया है, यानी कि दोस्तों ये 40 घंटे बाद आया है। बहुत लोगों दोस्तों 24 घंटे आया, दोस्तों 2-3 घंटे में हो जाता है, लेकिन मेरा 40 घंटे बाद। देखो कि कुछ है उसमें नेटवर्क स्लो चल रहा था, आप लोग सभी जानते हैं। तो अब आने के बाद आप देख सकते हैं, मैं वहाँ पे भी यहाँ देख सकते हैं, ई मेड योर पिन योर 17 दिसंबर 2019 को, यानी कि 17 दिसंबर 2019 को ही मेरा पासवर्ड को भेज दिया जा रहा है वहाँ से, और 2 से 4 हफ्ते बाद आपके एड्रेस पर वापस आ जाएगा। तो दोस्तों ये 2 से 4 हफ्ता बस। दोस्तों इस तरह से गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं आपने, जैसे कि दोस्तों मैं आप बता दूं, सबसे परफेक्ट डॉक्यूमेंट्स होता है कि दोस्तों गूगल एडसेंस के लिए सब पैन कार्ड सबसे अच्छा परफेक्ट होता है। आप लोग पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड भी लोग बहुत लोग यूज करते हैं, लेकिन वोटर आईडी कार्ड में कभी भी देखेंगे थोड़ा बहुत कभी भी स्पेलिंग का मिस्टेक हो सकता है, लेकिन दोस्तों आप लोग के पास वोटर आईडी कार्ड है तो उसको भी आप सबमिट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो वोटर आईडी कार्ड में आपको सेम लिखा है उसी को एडसेंस में भी सेम लिखेंगे तभी आपका गूगल एडसेंस पिन वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होगा। तो आप लोग बताइएगा इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो, आप लोगों का कहीं भी कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, आपको वहां से रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अच्छी तरह मालूम होगा इस वीडियो से कि आपको किस तरह से गूगल एडसेंस पिन के लिए अप्लाई करना होगा, और दोस्तों किस तरह से अप्लाई करना, किस डॉक्यूमेंट्स को आपको परफेक्टली यूज करना होगा। तो पूरी तरह परफेक्ट से समझ में आ गया हो तो उस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके फायदे के लिए हमेशा वीडियो लेके आते रहता हूं। चलिए दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।